दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पटाया में कौन कौन से खाने लायक जगह है, एक से एक, उन सब के बारे में बताऊंगा। पटाया में देखिए खाने पीने का बहुत आराम है, स्पेशली अपने इंडियंस के लिए। कई तरह के इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, नॉन वेज वेज सब का बहुत आराम है। पहला रेस्टोरेंट का बात करें तो है महारानी रेस्टोरेंट। ये है आपका रॉयल क्लिफ होटल में है, बहुत बढ़िया एम्बियंस भी है, खाना पीना तो एक्सीलेंट है, स्पेशली आपका दाल मखनी, पनीर का सब्जी, फिर आपका पनीर टिक्का, फिर लच्छा पराठा, मतलब सब कुछ बहुत ही सही है। इसके टाइमिंग्स भी आपका समझ लीजिए सुबह 11 से 2:30 बजे तक है, फिर रात में 6 से 11 बजे तक है। फिर आप जा सकते हैं 5-स्टार वेज रेस्टोरेंट में। यहाँ बेसिकली प्योर वेज रेस्टोरेंट है, तो जिन जो प्योर वेज खाने वाले हैं उनको बहुत सही लगेगा। रीजनेबल भी है, बहुत महंगा भी नहीं है, यहाँ मज़ा आएगा खा के। मतलब देखिए थाईलैंड में क्या है ना, स्पेशली पटाया में, यहाँ आप खाओगे बिना आपको ऐसा नहीं फील होगा कि जैसे कि आप मिस करें इंडियन खाना, एकदम फील नहीं होगा। आप कोई भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, जनरली मोस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स का खाना आपको पसंद आएगा ही। फिर आप कर्मा इंडियन रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, यहाँ के वेज नॉनवेज दोनों बहुत बढ़िया है, पनीर टिक्का या प्रॉन टिक्का दोनों बहुत सही है। अगेन शाम को 5:30 बजे से खुलता है और 11 बजे तक खुला रहता है। साउथ इंडियन भी है तो सब कुछ का आराम है, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन सब कुछ आपको यहाँ बहुत ही सही रेट में मिल जाएगा, रीजनेबल भी है रेट से यहाँ के। फिर आप जा सकते हैं इंडियन बाय नेचर, अगेन इसका टाइमिंग्स भी शाम को 5:30 बजे से 11 बजे तक है, और यहाँ का स्पेशलिटी है केरला फिश करी, फिर आपका ब्लूबेरी कुल्फी, वाओ इट्स टू गुड, और मैंगो सॉर्बे, ये सब तो वहाँ का बढ़िया है, बाकी सभी कुछ बढ़िया है, वेज नॉन वेज दोनों बढ़िया है, रीजनेबल भी है, अगेन यहाँ भी आप जा सकते हैं। देखिए रीजनेबल मेरा मतलब हो गया कि करीबन 500 से 700 रुपये आपका पर हेड। देखिए पटाया में एवरेज में आपका बिटवीन 700 to 1000 रुपीज़ पर हेड पड़ता है, और नीचे साइड में 500 रुपीज़ पर हेड में भी काम हो जाता है। फिर आप जा सकते हैं गोविंद नाम, जो प्योर वेज रेस्टोरेंट है। यहाँ का बेसिक नॉर्थ इंडियन थाली बहुत ही बढ़िया है, चिली पनीर इज़ एक्सेलेंट। यहाँ भी एवरेज में करीबन 250 से 300 बाट में आपका काम हो जाएगा, और अगर टाइमिंग्स में 10:00 बजे से 11:00 बजे तक खुला रहता है। यहाँ का मसाला चाय भी बहुत बढ़िया है, तो ये सब चीज़ आप प्रेम से यहाँ खा सकते हो। फिर आप जा सकते हैं मसाला दरबार, अगेन यहाँ भी क्या कि आपको अगर साउथ इंडियन खाना हो तो बहुत ही सही है, और अगेन ये भी 11 बजे तक खुला रहता है, शाम को खुलता है और फिर 11 बजे तक रात तक खुला रहता है। और यहाँ का देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारा साउथ इंडियन का क्या सिस्टम है, अपने इंडिया में जैसे कि अपने जैसे साउथ इंडियन खाते हैं ना, तो अपने को जितना बड़ा चटनी चाहिए सांभर चाहिए उतना बड़ा अपने को मिलते रहता है, अनलिमिटेड। वहाँ ऐसा नहीं है सिस्टम, वहाँ आप चटनी सांभर मांगते होंगे तो बार बार मिलेगा ना, उसका चार्ज लगेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा, इट इज़ नॉट फ्री। आप पूछ लीजिएगा उसको कि भाई हमको और चाहिए तो इसका कोई चार्ज है कि नहीं, जनरली चार्ज रहता है। इनफैक्ट जैसे मैं एक जगह नॉर्थ इंडियन थाली खा रहा था, और वहाँ थाली में भी सब्जियाँ थी, तो जनरली क्या होता है अपने इंडिया में नॉर्थ इंडियन थाली भी मंगाते तो सब्जी और सेकंड टाइप में को मंगाना हो तो उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता, वो रिफ़िल होते रहते हैं सब्जी, यहाँ ऐसा बात नहीं। वहाँ सब्जी का बकायदा था कि आप सब्जी को रिफ़िल करते हो तो इसका ये रेट है, कम रहता है काफ़ी, पर चार्ज लगता है। फिर आपको कबाब खाना हो तो आप इमली ग्रिल जा सकते हैं, ये दोपहर को 1 बजे से लेके रात का 4 बजे तक खुला रहता है, मतलब देखिए कितना लंबा टाइम है। कबाब नॉनवेज के लिए बहुत ही सही जगह है। फिर आप द डोसा हट जा सकते हैं, अगेन डोसा हट समझ में आते हैं कि भाई साउथ इंडियन तो है, नॉर्थ इंडियन थाली भी मिलता है यहाँ, और प्योर वेज है, बहुत ही बढ़िया है, ये भी जाने लायक है। वॉकिंग स्ट्रीट से एकदम बगल में है, तो आराम है, आप जैसे अगर आपने वॉकिंग स्ट्रीट में हो तो डोसा हट में ज़रूर खा सकते हैं, रीजनेबल है, अच्छा लगेगा। फिर आप जायका इंडियन रेस्टोरेंट जा सकते हैं, अगेन यहाँ भी आपको पनीर टिक्का, दाल मखनी, ये सब बहुत ही बढ़िया खाना है, वेरी नाइस, तो ये भी जाने लायक जगह है। फिर आप अली बाबा तंदूरियन करी रेस्टोरेंट जा सकते हैं, जो सेंट्रल बीच होटल के एकदम अपोजिट में है। यहाँ का क्या कि चिकन आइटम बहुत ही बढ़िया है, तो अगर नॉनवेज वाले हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ खा के। फिर आपको मन है समोसास खाने का, आलू टिक्की खाने का, हरा भरा कबाब खाने का, तो आप जा सकते हैं इंडियन रसोई, यहाँ आपको ये सब आइटम्स मिल जाएंगे, सुबह 10:30 बजे खुलता है, मज़ा आ जाएगा खा के। इंडियन रसोई के कॉचेज में बताना चाहूँगा कि यहाँ का गुलाब जामुन भी बहुत ही सही है, और स्प्रिंग रोल्स ऑल्सो वेरी गुड, ये दोनों भी आइटम आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसका लोकेशन भी क्या है कि नोवा प्लैटिनम जो होटल है उसके बगल में है, और यहाँ आपको थाली भी मिलती है, टिप में देना चाहूँगा, वेज थाली मिलता है जो केवल 180 बाट का है, मतलब करीबन 400 रुपये में आपको फर्स्ट क्लास थाली मिल गया खाने के लिए। फिर आप जा सकते हैं क्राउन ऑफ इंडिया, इसके टाइमिंग्स है 11:00 बजे से 1:00 बजे तक खुला रहता है, अलकज़र शो के पास ही है, और आपको अगर तंदूरी चिकन खाना हो, कीमा राइस खाना हो तो बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ जाएगा, ये यहाँ का स्पेशलिटी है, तो नॉनवेज वालों के लिए तो ये पैराडाइज है। बाकी पटिया में एक चीज़ ज़रूर खाएगा आप, स्ट्रीट में जो रस्ते में जो स्ट्रीट स्टॉल्स होते हैं, बेसिक लोग हाथ में लोग बेसिकली साइकिल काइंड ऑफ स्टॉल्स है, और लोग साइकिल में चला के सामने रहता है वो उनका पोर्शन, जिसमें वो लोग कुक करते राइस के साथ वेजिटेबल्स देते हैं,
एंड इट इज़ एक्सलेंट, मतलब मज़ा आ जाएगा खा के। मैंने खाया था एंड इट्स टू गुड, मतलब काफ़ी रिजनेबल भी है, मतलब आपका करीबन 125-150 में आपका वो फर्स्ट क्लास मील हो जाएगा। इनफैक्ट हाई साइड में बता रहा हूँ, आपको 100 रुपये के अंदर भी हो जाए। एंड इतना टेस्टी होता है, एकदम गर्म गर्म होता है, बेसिकली चावल के साथ कई तरह के वेजिटेबल्स मिलते हैं और करी रहता है, मतलब बहुत ही बढ़िया लगेगा, एकदम स्वाद ही पूरा अलग होगा। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि क्या पता कैसा हो, कितना हाइजीनिक हो फूड, यहाँ मैं बताना चाहूँगी एज लॉन्ग एज गर्म है ना तो रिस्क कम रहता है। हाँ, ठंडा होने में रिस्क रहता है, तो आप गर्म चीज़ खा रहे हो, एकदम एकदम गर्म रहते हैं, एक्चुअली काफ़ी गर्म रहता है, अनबिलीवेबली गर्म, तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ता है उसको खाने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो कितना बार खा भी लिया, कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम, सब लोग ही खाते हैं और बहुत सस्ते में हो जाता है काम। अब देखिए, इसमें एक चीज़ बस आप ध्यान रखिएगा, देखिए थाईलैंड में बेसी नॉनवेज खाने वाली बेसी है, वेज के खाने वाली कम है, तो ये सभी जो आप जहाँ भी खाओगे ना, आप एक्सपेक्ट करोगे कि एकदम आपको परफेक्ट प्योर वेज का स्वाद मिले, वो हो सकता नहीं मिले एक्सेप्ट इन प्योर वेज रेस्टोरेंट्स। जनरली जहाँ प्योर वेज और नॉन वेज दोनों रहेगा ना, वहाँ हल्का सा आपको टेस्ट आ सकता है नॉन वेज का, विच इज़ ओके, क्योंकि देखा जाए एक्चुअली इंडिया में भी अपने जो भी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना, जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है, तो आप मतलब मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली अपने एक्सपेक्ट करते कि जो वेजिटेरियन है कि भाई अपने एकदम वेजिटेरियन फूड खा रहे, ऐसा नहीं है। बहुत बार क्या होता है ना, ऑयल या पैन वगैरह थोड़ा डिश वगैरह मिक्स हो जाता है, हल्का सा ऑयल इधर उधर होता है, तो वी कैन नॉट कॉल इट कम्प्लीटली वेजिटेरियन फूड, विच इज़ ओके। और आप कहीं अब्रॉड भी जाओगे तो आप एक्सपेक्ट करो कि भाई हल्का फुल्का थोड़ा मिलावट हो सकता है, बट इट्स नॉट लाइक आपको कोई कोई नॉनवेज का कोई आपको आइटम अंदर आ रहा है या चिकन का लेग, या ऐसा कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट दैट हल्का सा टेस्ट आ सकता है। बाकी देखिए पट्टिया में जो आप रात का जो सीन है वो पूरा एकदम डिफरेंट होता है, और रात में तो क्या है ना कि आप कोई बार या लाउंज या कहीं भी एकदम आउटडोर सीन होता है, मतलब बेसिकली वहाँ कई सारे रेस्टोरेंट्स और बार स्पेशली होते हैं जिनसे आपको पूरा ओशन दिखता है, तो वहाँ बैठ के यू कैन टेक अ ड्रिंक और अ मॉकटेल और अ कॉकटेल, वो आप ले सकते हो और आराम से इन्जॉय कर सकते हैं सीन को। सामने ओशन दिख रहा है, सामने रो दिख रहे हैं, गाड़ियाँ दिख रही है, बहुत ही लाइवली एटमोसफेयर होता है रात में। तो रात में भी बनता है कि आप कोई इस टाइप का रेस्टोरेंट में जाके बस अपना कोई भी, अगर आप अल्कोहल लेना चाहते हो वो ले ले, ये तो मॉकटेल ही ले ले नॉन अल्कोहलिक, और बस वहाँ बैठ के आराम से रिलैक्स करिए, इन्जॉय द म्यूज़िक, बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक चलता है, लाइव म्यूज़िक भी रहता है, लाइव सिंगिंग होता है, डीजे होता है, वेरी नाइस, वेरी पेपी म्यूज़िक, मैं अच्छा लगता है, नाइस एनवायरनमेंट। तो ये भी आप ज़रूर करिएगा जब आप पट्टिया जाएँ। यहाँ पट्टे में बताना चाहूँगा कि यहाँ का बहुत ही सही ढंग से लोग नारियल देते हैं खाने को, बेसिकली जब जैसे आप स्पेशली आप बीच में बैठे हो और आप एक कोकोनट का ऑर्डर दिए, डाब का ऑर्डर दिए, तो आप पहले अपना प्रेम से बैठ के डाब पी लिए, अपना नारियल पी लिए। अच्छा, यहाँ क्या सिस्टम है ना कि अगर आप उनका वो जो बेड्स यूज़ करते हैं जहाँ आप आराम से लाइक कर सकते हैं देर, तो उसका अलग चार्ज पड़ता है, वैसे अगर आप नारियल पीते हो तो उसका कम पड़ता है, सिर्फ नारियल के चार्ज लेता है। तो आप डाब पी लिए, कोकोनट पी लिए, उसके बाद जब वो नारियल आपका खाने का टाइम होता है तो उसको काट के वो बेसिकली आपको स्पून भी साथ साथ देते हैं। अपने जैसे भारत में स्पून का सिस्टम नहीं है, वहाँ स्पून देते हैं और स्पून को क्या ना उसको अंदर घुसा देते हैं नारियल के, तो इतना ब्यूटीफुल सिस्टम लगा कि आप खा रहे हो आराम से बैठ के, आप खा लो अपना नारियल और उसके अंदर स्पून वापस घुसा के फिर अपना आप थोड़ा देर रिलैक्स के लिए फिर वापस खा लिए। तो ये सिस्टम है, अगर आप बैठ के खाना सकते हो तब ये कर सकते हो, ऑब्वियसली आप स्पून ले जा नहीं सकते, वापस उनको देना पड़ेगा, बट दिस इज़ वेरी नाइस एंड वेरी लाइक्ड इट। एंड इनफैक्ट वहाँ जब बैठते भी हो ना तो बहुत कम चार्ज है, हार्डली एनी चार्ज, इनफैक्ट बहुत जगह तो क्या है कि इंक्लूसिव भी रहता है, आप नारियल ले लिए तो आपको बैठने का भी वो मौका दे दिया, आप कुछ देर वहाँ बैठ भी सकते हो, अगर पूरा दिन के लिए, पूरा दिन के लिए बैठेंगे तो चार्ज पड़ेगा। और डेफिनेटली नारियल थोड़ा महंगा पड़ता है बिकॉज आप बैठने का भी आपको सुविधा दे रहे हैं, जहाँ आपको बैठने का भी सुविधा देते हैं लोग, और बहुत बढ़िया लगता है, सामने ओशन है, बोट्स जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर है, तो ये भी ज़रूर करिएगा जब आप पटाया जाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।